दिन प्रतिदिन झीलों का शहर एवं पर्यटक के केंद्र के रूप में अपनी परिधि का विकास और विस्तार कर रहा है। अपने झीलों, हवेली और लग्जरी होटलों के लिए प्रसिद्ध शहर ने एक और पर्यटक स्थान वैक्स म्यूजियम जोड़ा। सज्जनगढ़ रोड में स्थित मोम के म्यूजियम पर्यटकों के लिए एक महान आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। जी हाँ, घूमने के लिए निकले तो उदयपुर में प्रताप सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम देखना ना भूलें। उदयपुर वैक्स म्यूजियम के बारे में कहा जाता है कि ये मैडम तुसाद लंदन में सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम की तरह थीम के साथ साथ प्रेरित किया गया है। वैक्स म्यूजियम उदयपुर भारत में पांचवा मोम म्यूजियम है और राजस्थान में पहला वैक्स म्यूजियम है। उदयपुर में कुल 15 मोम के स्टैचू हैं। इसमें पहला बराक ओबामा का, दूसरा माइकल जैक्सन, ब्रूस ली तथा जैकी चैन, अर्नोल्ड, हैरी पॉटर जैसे हॉलीवुड के प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्टैचू थे, जिन्हें अब भारतीय सेलेब्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। फिलहाल 15 स्टैचू हैं, जिनमें APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, मदर टेरेसा तथा सचिन पायलट, सचिन तेंदुलकर एवं अमित शाह तथा महात्मा गांधी, अमृता देवी बिश्नोई, महाराणा प्रताप आदि जैसे लोगों के स्टैचू बनाए गए हैं। इन सभी भारतीय सेलिब्रिटियों के अलावा मिस्टर बीन का भी एक स्टैचू है। मोम प्रतिमा बनाने के लिए लगभग 6 महीने लगते हैं और हर 2 साल बाद प्रतिमा को एक नए लोगों के साथ बदल दिया जाता है। सभी मोम प्रतिमा को एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है जो लगातार 32 डिग्री तापमान बनाए रखते हैं। वैक्स म्यूजियम के अलावा हॉरर हाउस, 90 सिनेमा व दर्पण भूल भरैया तथा बच्चों के लिए गेम जोन भी है। इस संग्रहालय में घूमने का समय प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक का रखा गया है। मोम संग्रहालय का उद्घाटन 2016 में उदयपुर के लच्छराज सिंह मेवाड़ ने किया था। संग्रहालय न केवल उदयपुर वासियों को आकर्षित करता है और कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ये शहर के लिए एक बड़ा जोड़ा है।